ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज नाभि बड़े यशस्वी थे और उनके यश का गान करने के लिए दो श्लोक बड़े विख्यात हैं। तो वो इन दो श्लोकों के द्वारा उनकी महिमाओं का गान किया जाता है। तो पहला श्लोक है, कोनु तत्कर्म राज ऋषेर नाभेर अनु आचरेत पुमान अपत्यताम अगाद यस्य हरि शुद्धे न कर्मणा। मतलब यहां पर क्या बताया है, कोनु तत् कर्म राज ऋषेर। महाराज नाभि कोई आम राजा नहीं थे, वो राजा थे और साथ में ऋषि भी थे। उनको क्या कहते हैं, राज ऋषेर। कोनु तत् कर्म राज ऋषेर, ऐसे महान राज ऋषि महाराज नाभि, उन्होंने जो अपने कर्मों के द्वारा जो सफलता प्राप्त की उसको कौन हासिल कर सकता है, उस सफलता तक कौन पहुंच सकता है। मतलब बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार की सफलता महाराज नाभि ने प्राप्त की, नाभेर अनु आचरेत पुमान, पुमान का मतलब होता है मनुष्य। तो कहते हैं ऐसे मनुष्य लोक में कौन व्यक्ति है जो उनके कर्मों का आचरण कर सकता है और उनकी तरह सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तब प्रश्न उठेगा कि ऐसा कैसे हम समझ सकते हैं कि उनके कर्म बहुत श्रेष्ठ थे, उन्होंने जो सफलता प्राप्त की बहुत महान थी, बाकी लोगों के लिए वो सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो आगे इसमें बताया है, अपत्यताम अगाद यस्या हरि ही शुद्धे न कर्मणा। उनके शुद्ध कर्मों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ऐसे शुद्ध कर्म किए थे, हरि ही भगवान हरि अपत्यताम अगाद, भगवान ने उनके घर में एक शिशु के रूप में, उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये सौभाग्य भगवान ने महाराज नाभि को प्रदान किया। अब देखिए, हम लोग भी अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, महाराज नाभि ने भी किए। अपने हमारे कर्मों के द्वारा क्या हमें भगवान हमारे पुत्र के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, क्या हमारा इतना सौभाग्य है। जो सौभाग्य महाराज नाभि को मिला, जो सौभाग्य वसुदेव देवकी को मिला, जो सौभाग्य नंद महाराज यशोदा मैया को मिला,
क्या वो बहुत आसान है? वो बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान जिनका कोई जन्म नहीं है, भगवान को अजा कहते हैं, वो अपने ऐसे महान भक्तों के घर में उनकी संतान के रूप में, उनके पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया। तो ये कोई ऑर्डिनरी कर्म नहीं है। इसलिए ये जो शुद्धेन कर्मणा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध कर्म हमारे कब हो सकते हैं? जब हमारे कर्मों के द्वारा हमें कोई भी भौतिक उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। हम जो भी काम करते हैं, या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं। पुण्य कर्म का मतलब क्या होता है? भौतिक अच्छे कर्म। पाप कर्म का मतलब होता है भौतिक गलत कर्म। पुण्य कर्म का फल क्या मिलेगा? हम भौतिक सुख भोग पाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पाप कर्म का फल क्या होता है? हम दुख भोगेंगे, पुण्य कर्म सुख भोगेंगे। दिव्य कर्म या शुद्ध कर्म, जो कर्म केवल भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, भगवत भक्ति में, तो उसको क्या कहते हैं? शुद्धेन कर्मणा। मतलब भगवान की भक्ति में जो कर्म करते हैं वो शुद्ध कर्म कहलाते हैं। उसके द्वारा मात्र हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, और तब जाकर के हमें भगवान, अगर हम चाहें तो पुत्र के रूप में भगवान की प्राप्ति हम महाराज नाभि की तरह कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक के लिए महाराज नाभि विख्यात हैं कि इतने महान थे, अपने शुद्ध कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने घर में भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। ये पहला। दूसरा जो श्लोक महाराज नाभि के लिए विख्यात है वो है कि किस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणों की उपासना की, उन्होंने किस प्रकार से शुद्ध मन के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। यहां पर हमें यह समझना है ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मण, जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है और जो भगवान को समझता है वो ब्राह्मण है। केवल जन्म के द्वारा कोई ब्राह्मण नहीं होता है, मतलब उसका स्थान, ब्राह्मण का स्थान बहुत ऊंचा होता है। तो ये हम समझने का भी प्रयास करेंगे। तो उन्होंने किस प्रकार से इन ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और इन ब्राह्मणों की कृपा से साक्षात भगवान के दर्शन किए। बाद में ही तो इन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। पहले तो भगवान के साक्षात दर्शन किए। साक्षात दर्शन किनकी कृपा से किए? इन ब्राह्मणों की कृपा से किए। तो इस श्लोक में उस महिमा का गान किया है। ब्रह्मण्यो अन्य कुतो नाभेर, महाराज नाभि को छोड़ करके अन्य कौन है? अन्य कुतो हो, और अन्य ऐसा व्यक्ति कौन है जिन्होंने ब्राह्मणों को इस प्रकार से संतुष्ट किया हो? विप्रमंगल पूजिता, मंगल पूजिता का मतलब बहुत भली भांति मंगल रूप से जिन्होंने ब्राह्मणों की उपासना की हो, ऐसा दूसरा कौन है? बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति को ढूंढना। और उससे क्या मिला? उनको फल क्या मिला? उन्होंने ब्राह्मणों की उपासना की, उनको संतुष्ट किया, उनसे क्या प्राप्ति हुई? यस्य बर्हिषी यज्ञेशम, बर्हिषी का मतलब है इन ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में, बर्हिषी का मतलब जब यज्ञ उन्होंने करवाया था। यस्य इन ब्राह्मणों की कृपा से बर्हिषी यज्ञ में,
यज्ञेशम, यज्ञ पुरुष जो है भगवान विष्णु जिन्हें यज्ञ पुरुष कहते हैं, यज्ञेशम दर्शयाम, दर्शयाम का मतलब है साक्षात उनको दर्शन प्राप्त हुए। कैसे? ओजसा, इन ब्राह्मणों की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा साक्षात महाराज नाभि को अपने यज्ञ की सभा में भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। क्यों दर्शन हुए? इन्होंने शुद्ध मन से ब्राह्मणों की उपासना की, इन महान ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां से हमको क्या समझना है कि महाराज नाभि के जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण थे वो कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, वो आध्यात्मिकता में प्रगति किए हुए ब्राह्मण थे, वैष्णव गण थे। क्योंकि देखिए, वेदों में क्या बताया है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या बताया? जन्मना जायते शूद्रा, जन्म लेने पर सभी शूद्र होते हैं। ये वेदों में बताया है। जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं है। जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा, तो ये याद रख लो हमेशा कि जन्म लेने पर सब शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा। अगला, संस्कारात भवेत द्विजा। जब उसको संस्कार का वो पालन करता है, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं हमारी शुद्धिकरण के लिए। शूद्र के रूप में सब लोग जन्म लेते हैं और बाद में संस्कारों के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। अलग अलग संस्कार होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, विवाह के बाद में बच्चे के जन्म लेने से पहले पति और पत्नी गर्भदान संस्कार करते हैं। गर्भदान संस्कार के बाद में जन्म संस्कार होता है। जन्म संस्कार के बाद में नामकरण होता है। इस प्रकार से बहुत सारे संस्कार होते हैं। बाद में जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है और गुरु का आश्रय ग्रहण करता है, वो द्विजा बनता है, उसका दूसरा जन्म होता है। जब तक व्यक्ति का दूसरा, पहले जन्म में तो सब शूद्र हैं, जन्म से सब शूद्र, संस्कार के द्वारा द्विजा बनता है जब वो अनेकों प्रकार के संस्कार का पालन करता है। बाद में क्या बताया है? वेद पठेत भवेत विप्रा। और जब वो वेदों का पठन करता है तब उसको क्या कहते हैं? विप्र कहते हैं। तो देखिए, जन्म से शूद्र, संस्कार का पालन करने के बाद में द्विज कहलाएगा, दूसरा जन्म हो गया द्विजा। बाद में दूसरा जन्म होने के बाद गुरु के आश्रय में जब वो गुरुकुल में जाकर के वेद पठन पाठन करता है, तो वही बताया, वेद पठेत भवेत विप्रा, तब उसको क्या कहेंगे? विप्रा। पहले शूद्र, बाद में द्विजा, बाद में विप्रा। विप्र के बाद में ब्रह्मण जानाति इति ब्राह्मणा। जब वो वेदों का अध्ययन करने के बाद में आध्यात्मिकता में प्रगति कर लेता है और जब वो भगवान को समझना प्रारंभ करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वही ब्राह्मण जब भगवान की सेवा में, भक्ति में लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वैष्णव कहते हैं। मतलब भागवत या वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है, तो ये बताया गया है। अब देखिए, ये पद्म पुराण का मैं श्लोक बताता हूं जिसमें बताया गया है कि वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है। क्योंकि हम सोचेंगे कि भाई ऐसे कैसे है, तो ये वेदों के अंदर में बताया है।
तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें इसका वर्णन किया है, षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुर् न स्यात् स्वपचो वैष्णव गुरुः। बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें क्या बताया है कि ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। ब्राह्मण के कितने कर्म होते हैं? 6 होते हैं, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। ये 6 कर्म ब्राह्मण के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? षट कर्मो, 6 कर्म ब्राह्मण के। षट कर्मो निपुणो, अगर कोई व्यक्ति इन 6 कर्मों में बिल्कुल निपुण है, कुशल है, लेकिन अवैष्णव गुरुर् न स्यात्, अगर वो भगवान की भक्ति में वैष्णव नहीं बना है, अगर वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ा है, केवल 6 कर्मों में निपुण है, गुरुर् न स्यात्, वो फिर भी गुरु नहीं बन सकता है। वैष्णवो स्वपचो गुरु, स्वपचो का मतलब होता है किसी ने एक चंडाल के घर में जन्म क्यों ना लिया हो, उसको स्वपचा कहते हैं। मतलब जहाँ पर एक प्राणी जैसे कुत्ता होता है उसको भी मार के खा लिया जाता है, उस प्रकार की जाति है, उनको स्वपचा कहते हैं। अगर वो वैष्णव बन जाता है तो वो जगत गुरु बन सकता है। तो ये जो महाराज नाभि के जो सभा में जिन्होंने यज्ञ करवाया था, वो कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, वो महान भक्त थे, वैष्णवगण थे। तो ये जो 2 श्लोक हैं इसमें महाराज नाभि की महिमाओं का वर्णन है। तो आगे की कथा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।